कृपिंदास बोल। मैं एक पेंशनर हूँ, मेरी पेंशन लगभग 32,000 रुपया प्रति माह है। जब मैं बैंक में गया अपना पैसा निकालने के लिए तो मुझे वहाँ बड़ी निराशा मिली। मैंने उनको कहा कि मुझे कम से कम 25,000 रुपया घर के खर्च के लिए, बच्चों की फीस के लिए दिया जाए, परंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और कहा कि 10,000 से ज़्यादा पैसा हम आपको स्वीकृत नहीं कर सकते। मैंने कहा तो मर्जी है आपकी, 10,000 ही दे दीजिए। वो 10,000 दो दिन में ख़त्म हो गया है। मेरे बच्चे दो DAV स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मुझे फीस चुकता करनी है और उसकी डेट 15 दिसंबर है। अभी तक मैं उनकी फीस जमा नहीं करा पाया। कम से कम दोनों की फीस के लिए मुझे 1 रुपया कम 10,000 चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। बोल बिंदास बोल। लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हैं और ATM में, एक तो ATM खाली पाए जाते हैं, अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर ATM में पैसे हो भी तो 2,000 से ज़्यादा नहीं निकलते, और मैक्सिमम ATM जो है ड्राइंग है उसमें पैसा नहीं है, पैसे का बड़ा अभाव है। और ये जो आपने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो आपने शुरू की, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार और काला धन निकालने के लिए ये कई तरीका था, परंतु जब आपका पैसा नहीं निकला 30 नौ तक, तो आपने कहा था कि हम उनके घरों में कार्रवाई करेंगे, छापे मारेंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। बोल बिंदास बोल। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके पास 13 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं, उतने नोट शीघ्र अतिशीघ्र छापे जाएं, ताकि लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बैंकों से पैसा मुहैया होता रहे। इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो मुझे एक एप्रिहेंशन है, शंका है कि आने वाले दिन आपके लिए अशुभ साबित होंगे। ये मेरी आपको चेतावनी है। बोल बिंदास बोल। महंगाई का दौर है, चलो एक रात तो हमें मिल रही है कि सब्जियां सस्ती हो गई है, आटा जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है। अपने आपने आटे की सप्लाई भी बंद कर दी है, PDF सिस्टम जो हमारा यहाँ ऑपरेटिव है उसको भी आप बंद करने जा रहे हैं। PDF में कहा कि आटा नहीं मिलेगा। अब इस महंगाई के ज़माने में इतना महंगा आटा हम कहाँ से खरीदेंगे? 8-9 आदमी का परिवार है, कम से कम 2 किलो आटा रोज चाहिए। तो एक तो जो आपने हमारे पर जो बंदिश लगाई है, जो आप गेहूँ आटा नहीं दे रहे हैं, उसको जल्दी रिस्टोर किया जाए ताकि जनता को कुछ राहत मिले। बोल बिंदास बोल।